भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप, को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर उठाए सवाल। कोरोना काल में हो रही है राजनीति पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लिनिक पर दिल्ली सरकार अपनी खुद ही तरफ करती है, पर कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है और बंद क्यों है मोहल्ला क्लिनिक। भाजपा के आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर फिर आरोप लगाया कि कोरोना काल में लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए मोहल्ला क्लिनिक पर कहाँ थी और मोहल्ला क्लिनिक के 504 डॉक्टर कहाँ है। जवाब दे दिल्ली सरकार, कोरोना की दूसरी आपदा में दिल्ली सरकार ने अपनी मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद कर दी और 504 डॉक्टर और मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थी, और जब इस कोरोना महामारी में समय में लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, समय बंद क्यों है और इन मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थी। मोहल्ला क्लिनिक को बनाने में जनता का पैसा लगा था पर उस पैसों का दुरुपयोग किया गया है। आदेश गुप्ता ने एक वीडियो भी दिखाया कि कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक बंद थे और मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर कहाँ थे जब लोगों को जरूरत थी। इस वीडियो में लक्ष्मी नगर का था और ये भी सवाल उठाया कि 2019 में बाद मोहल्ला क्लिनिक का ऑडिट किया क्यों नहीं कराया गया। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार क्या जवाब देगी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक पर इतना खर्च किया गया था और जब जनता को इसकी ज़रूरत थी और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर दिया गया। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास दिल्ली से। कि रात 8 बजे से तो मैं 2 बजे तक प्रतिदिन ये मोहल्ला क्लिनिक खुला रहेगा। इस समय 12:30 बजे और 12:30 बजे ये देखिए लक्ष्मी नगर के तहत अगर वर्मा जी एक एक मोहल्ला क्लिनिक पर जाते हैं, वहाँ जांच करते हैं और ये क्लिनिक बंद पड़ा है, लॉक है, कोई ताला लगा हुआ है, न जाने कितने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये कभी खुलता है, तब जाने हमने तो कभी खुलते देखा नहीं। ये लक्ष्मी नगर विधानसभा में आई लॉक लगाने खुला उसका रोड के किनारे एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया, लेकिन ये देखिए इस क्लिनिक की स्थिति, क्लिनिक बना दिया गया 2 साल से, आज तक यहाँ एक व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस क्लिनिक की स्थिति आप देखिए, कोरोना का समय है, पूरी आवश्यकता है डॉक्टर की, पूरी आवश्यकता है मरीज क्लिनिक की, लेकिन यहाँ सभी जो है के माध्यम से आपको मोहल्ला क्लिनिक की वास्तविकता के बारे में पता लगेगा। मैं अनुरोध करूंगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद ही मेडल दिए हैं और कहा है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। उन्होंने खुद ही इसकी कई बार तारीफ की है, कहते हैं कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, अपनी झूठी तारीफ खुद ही कर मुस्कुराते हैं लोग। ये हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का है जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन अफसोस है कि इस कोरोना पैंडेमिक में महामारी के समय जब मोहल्ला क्लिनिक को बड़ी जरूरत थी लोगों, और उस समय जब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी तो 3 ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी, ये 3 बातें प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिक का काम होगा। वो मेडिसिन को प्रोवाइड कराएंगे, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे और कंसल्टेंसी सेंटर के रूप में काम करेंगे। ये 3 बातें जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी और कहा था कि एक गरीब और आम आदमी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल जाकर चक्कर लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको आसानी से इलाज वहां मिल जाएगा।
504 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कह दिया 1000 खोलेंगे, डेडिकेटेड महिलाओं के लिए भी 100 का प्रावधान कर दिया। लेकिन जो तीन बातें थी जो उस काम उस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से होना था, उसमें पहला काम था प्रोवाइड मेडिसिन, दवाइयों को उपलब्ध कराना था। केजरीवाल जी ने इस कोरोना पैंडेमिक में उन मोहल्ला क्लिनिक पर कितने पेशेंट्स को दवाई मुहैया कराई, इसका ही वो जवाब दे दे। जितनी बातें प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष जी की बातों के अलावा मैं आज ये अरविंद केजरीवाल जी के ध्यान में तो ला ही सकता हूं कि अगर आपने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन जैसी जरूरतों को मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू किया होता तो आज दिल्ली को कितना लोगों का जान बचाने में सहायता हो सकता था। और तब हमें हाईकोर्ट का वो स्टेटमेंट याद आया, हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्होंने कहा दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सवाल पूछा है कि अगर आपने कोई जगह तैयार की और उसको ऐसी महामारी के दौरान इस्तेमाल तक नहीं हो सकता तो ऐसी जगह का क्या फायदा। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये तो हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने पूछा है। इसका मतलब उच्च न्यायालय को भी पता चल गया था कि दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रही है। तब मैं अपना एक सवाल देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। दुखी हूं, कई लोग हमको मैसेज करके कह रहे हैं तुम कितना भी चिल्लाओगे जो बेशर्म होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, जान पे आई है। हम हर तरह से ये सच्चाइयां आप सबके सामने ला रहे हैं जिसको दिल्ली की जनता पर्दाफाश कह रही है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं इसकी बात करें कि उसकी बात करें कि उसकी बात करें। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने कहा है हम कहेंगे, सिलसिलेवार ढंग से कहेंगे और लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी आप हर चीज में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढ रहे हो, आपको जनता की चिंता नहीं है। तब मैं ये सवाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी आप दिल्ली को जवाब दीजिए, बताइए, एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करके सबको बताइए कि इतनी बड़ी महामारी में जो कार्य छोटे से वैन में एक व्यक्ति के द्वारा हो गया, वो चार चार व्यक्ति से युक्त वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया। बड़े दुख के साथ पूछ रहा हूं क्योंकि बताओ भी और दिल्ली के लोगों को ये जानकारी देकर संतुष्ट भी करना पड़ेगा। ये हमारी प्रार्थना लाइव सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फोरम पे वो सभी भाई बहन दिल्ली के नागरिक, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल रही जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे मोदी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट नहीं कराया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद बताएं दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब दें कि 1 अप्रैल 2019 के बाद मोहल्ला क्लिनिक्स का ऑडिट क्यों नहीं कराया है, आखिर इसके पीछे क्या राज है, ये बताना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को।